अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक मस्जिद को एक्सप्लोर करने आए हैं। बड़ी देर से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मैं जाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा, तो आज मैं आया हूं जी मस्जिद वज़ीर ख़ान, और इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसको अंदर से देखते हैं। ये जो आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, ये पहले सारा ओपन था और यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी ये वॉल नहीं थी। और कुछ अर्सा पहले ये जो वॉल है सारी, इस वॉल का काम एक कंपनी को दिया गया था और उसका बोर्ड भी लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप मीनार देख रहे हैं, इस मीनार के ऊपर जो नक्शो नगारो जो पुराना काम हुआ था, अभी भी वही काम हो रहा है। और इसका एक रास्ता था जो इसके नीचे से जाता था, वो रास्ता भी दोबारा से बनाया जा रहा है, हम वो भी देखते हैं। ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इससे रिलेटेड। ये आप देख रहे हैं इसकी सारी वॉल्स, ये इस पर डिज़ाइन वगैरह सारे नए बनाए जा रहे हैं। ये पहले ये चीज़ें नहीं थी, इसको बड़ी डिटेल के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये आप देखें, अगर इसको हम करीब से जाके देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना मस्जिद के बिल्कुल बाहर ये कुछ एरिया है, और ये पहले ज़मीन के अंदर था। ये कुछ अर्सा पहले ही डिस्कवर हुआ है। इसकी आप छत देख सकते हैं, ये टाइल्स लगी हुई हैं और बड़ी यूनिक किस्म की टाइल्स हैं। और ये जो जगह है इसको दोबारा से भी रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं इनको एक बड़े रफ स्टाइल में रेनोवेट किया जा रहा है। अगर इस साइड पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो वॉल बनाई गई है, ये अभी रिसेंटली बनाई गई है। ये जितना एरिया था ये सारा पहले ये यहाँ पे कोई वॉल नहीं थी। और इसकी अगर इंफॉर्मेशन हम देखें, उसके अलावा ये जगह आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह रेनोवेट की जा रही है। और ये जो है इसकी बैक साइड पे सुरंगें हैं जो कि आगे बादशाह मस्जिद की तरफ जाती हैं। तो बाकी हम चल के अभी एंट्रेंस पे चलते हैं और देखते हैं एंट्रेंस इसकी कैसी है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये चीज़ ये पुरानी है, ये ओरिजिनल है, इसकी ओरिजिनल हालत में है। और अभी ये भी ओरिजिनल हालत में है, यहाँ पे सारे ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अभी इसको दोबारा से रिन्यू करेंगे इस शेप में। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारी मस्जिद है और इसकी सराउंडिंग्स में ये कुछ घर हैं, 5-6 घर हैं, और ये गवर्नमेंट अपने खर्चे के ऊपर ही इनको रेनोवेट कर रही है। अगर आप देखें तो आपको बड़े कैजुअल से नज़र आ रहे हैं, शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ सकें, लेकिन इनको बड़े ही एक यूनिक स्टाइल के अंदर इनको रेडी किया जा रहा है। और रात के टाइम इसकी लाइटिंग और ये बड़ा एक बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से। ये आप जगह देख सकते हैं, ये सारी दीवार थी पहले, इसको अभी ख़त्म करके तो ये दोबारा से ये सारे रेनोवेशन की जा रही है। ये हमारे साथ है शेरी भाई, हमारे शहर में पहले रहता था लेकिन अब शिफ्ट हो गए हुए हैं, अब आई घर हमारा ना एक्चुअली न्यू शाहबाद में। तो थोड़ा सा बताएंगे मस्जिद के बारे में। मस्जिद एक्चुअली ये तकरीबन 400 साल तकरीबन पुरानी है, और यहाँ पे अपना काफ़ी जैसे मैरिजेस वगैरह के भी इवेंट्स वगैरह भी होते हैं और तकरीबात भी दूसरी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाएं, ये बाकायदा स्टेज एक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे महफिल्स होती हैं हफ्ते वाले दिन, यहाँ पे काफ़ी तकरीबात होती हैं। और उसके बाद ये घर दिखाएँ, ये ऊपर जितने भी घर हैं ना, ये नैयर एंड कंपनी वालों की तरफ से ना ये घर की और कॉस्ट को तैयार करके दे रहे हैं, पुराने बने हुए हैं। और ये घर 150 साल पुराने हैं, ये 100 साल 150 साल पुराने हैं। वहाँ पे वो पीछे मीनार दिखाएं, वो भी अभी रिपेयर होगा, ये भी तकरीबन 150-200 साल पुराना है। इसी तरह गाइज़, अभी हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये मस्जिद का सहन है और यहाँ पे बिल्कुल दरमियान के अंदर वज़ू करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत एक जगह दी गई है, और इसके दरमियान में एक फाउंटेन भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी जब ज़्यादा होती है तो ये इस तरह की शीट्स यहाँ पे हैं, उसके ऊपर आपको गर्मी कम लगती है। और इसके ऊपर अलहदा से कपड़े भी डाले गए हैं ताकि ज़्यादा गर्मी होती है इसको गीला कर देते हैं और गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाती है। ये यहाँ का फ्लोर है और ये मस्जिद के अंदर का एरिया है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये जो मस्जिद का गुंबद है उसके अंदर आप शायद ना देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर अरबिक में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर यहाँ से हम मस्जिद का अंदर वाली साइड देखें तो आपको एक व्यू मिलेगा, एक शेप मिलेगी, जैसे बादशाही मस्जिद है उसी तरह की ये मस्जिद आपको नज़र आती है। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जुलाई के दिन चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर टेंट वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर गर्मी कम लगे।
बादशाह मस्जिद के अंदर भी आपको इस तरह के मीनार मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज कर दी गई है और दरमियान में वो एरिया जो इसकी एंट्रेंस है उसी तरह मिलती है। और जिस तरह बादशाह मस्जिद के अंदर आपको साइड पे वो हुजरे मिलते हैं, वो छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं एक्चुअली, तो उसी तरह के यहाँ पे भी टोटली रूम्स आपको नज़र आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े एक नफीस तरीके से दोबारा से इसकी रेनोवेशन की जा रही है। ये पुरानी नहीं है, ये दोबारा से रेनोवेट किया गया था, लेकिन इस तरीके से किया गया था कि ये ओरिजिनल लगे, तो ये उस तरह की इसकी रेनोवेशन दोबारा से हो रही है। ये वो रूम्स हैं जिनका मैं अभी आपको बता रहा था। ये एक्चुअली जब पहले मस्जिद होती थी तो ये हुजरे होते थे, और अभी यहाँ पे सामान और इस तरह की दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं। ये भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी एक ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद हैं। और अभी उजान का टाइम हो गया है तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला बाकी भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इनका भी दोबारा से काम चल रहा है, और यहाँ पे भी दोबारा से बड़े एक यूनिक स्टाइल के अंदर काम हो रहा है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे इस मस्जिद से रिलेटेड पुराने जो चीज़ें निकली थी ज़मीन के अंदर से, उनको बड़े यूनिक स्टाइल में यहाँ पर सेव कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये जितना काम है अभी हमने इंतज़ामिया से पूछा है तो ये आगा खान वाले सारा काम करवा रहे हैं। यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी घर हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और हर चीज़ को रेनोवेट किया जा रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इनका सारा काम हो रहा है। तो गाइज़ ये वज़ीर खान मस्जिद पर एक छोटा सा हमारा रिव्यू था, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आज हमारी इस वीडियो के अंदर हमारे शेरी भाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो थैंक यू सो मच शेरी भाई। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.